पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने लंका प्रीमियर लीग LPL के आइंदा सीजन के दौरान अपनी टीम कोलंबो स्ट्राइकर्स की जर्सी पर सरोगेट बैटिंग कंपनी का लोगो अवेजा करने से इनकार करके अपने असूलों और इकदार के लिए अपनी गैर मतदन लगन का मुजाहरा किया है। मुख्तलिफ टी ट्वेंटी लीग्स में कई बैटिंग कंपनियां अपने नामों में मामूली तब्दीलियां करके स्पॉन्सर्स बन जाती हैं। तहम बाबर आजम ने एक मजबूत मौके अपनाया और अपनी शर्ट पर इनका लोगो नुमाया करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्होंने कोलंबो स्ट्राइकर्स के साथ अपने माहिदे में इस शर्त को भी शामिल किया है और फ्रेंचाइज ने इनकी ख्वाहिशात का एहतराम करने का इंतखाब किया है। बाबर आजम 30 जुलाई से 22 अगस्त तक होने वाले LPL में कोलंबो स्ट्राइकर्स की क्यादत करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को लंका प्रीमियर लीग LPL से कबल दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करना है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। मैन इन ग्रीन अगस्त के दूसरे हफ्ते में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेलेंगे, इसलिए पाकिस्तानी कप्तान के LPL के लिए जुजवी तौर पर दस्तयाब होने का इम्कान है। हाल ही में हज की अदायगी के बाद पाकिस्तान वापस आने वाले बाबर आजम मस्कूरा दौरे श्रीलंका की तैयारी के लिए कराची में तबीयती कैंप में शिरकत करेंगे।